दोस्तों आज की कहानी है बहुत जवान लड़की को कब तक घर पर रखोगी तुम। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अदिति की छोटी बहन माँ के गुजर जाने के बाद से अदिति के पास ही रहने लगी थी। ये अदिति की सास का निर्णय था ताकि उनकी बहू उसके लिए चिंतित ना होती रहे। छोटी बहन अब सास की अपनी ही बेटी बन गई थी। उन्होंने ही अदिति की प्रिंसिपल से निवेदन करके उसी स्कूल में केजी में नौकरी भी लगवा दी थी। उसकी सारे दूज और पास के रिश्तेदार केवल कुछ दिनों के लिए ही रखने को तैयार थे, हमेशा के लिए नहीं। अदिति को उसकी सास ने सच्चाई का सामना करवाया। देखो बहुत जवान लड़की है, पास रखने को तैयार होगा, तुम तो उसकी बड़ी बहन हो, माँ जैसी ही हो, ये जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी पड़ेगी। उनका ममतामयी रूप देखकर अदिति नमस्तक हो गई थी। ससुराल में बेटे की शादी का रहना किसी भी सास को पसंद नहीं आता होगा, पर ये तो माँ ही बन गई थी। उसकी माँ को खोने का दुख छोटी ने ज़्यादा सहा था। उसके हाथों में ही माँ ने आखिरी सांस ली थी। स्वभाव से अति नरम और साफ प्रवृत्ति की छोटी कभी भी किसी के लिए खास नहीं थी। घर के छोटे छोटे सारा काम करती थी पर नाम कभी नहीं होता था उसका। दबू हो गई थी वह यहाँ आकर। स्कूल में नौकरी करने से उसका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही था, साथ ही साथ घर गृहस्थी की समझ सास से मिल रही थी उसे। अदिति एक दिन स्कूल से आई तो सासू माँ ने बताया एक रिश्ते के बारे में छोटी के लिए। हमारे घर से आधे घंटा का ही रास्ता था। अदिति अभी आर्थिक दृष्टि से तैयार नहीं थी इस शादी के लिए, सो टाल रही थी। सास ने फिर छोटी माँ बनकर समझाया, जवान लड़की को कब तक घर पर रखोगी तुम, शादी की उम्र तो हो ही गई है, देनी तो पड़ेगी, कौन देखेगा लड़का तुम्हारे अलावा। उनकी जिद ने छोटी की शादी तय करवा ही दिया। बात आई खर्चों की तो सभी रिश्तेदार पल्ला झाड़ने लगे, कोई भी तैयार नहीं था मदद करने के लिए। अदिति ने तब सास से सलाह कर मायके की जमीन जो दादा की संपत्ति थी बेचने का निर्णय लिया। दोनों भाई भी एक मत थे क्योंकि उनके पास भी जमा पूंजी थी नहीं। अदिति ने दोनों भाइयों से साफ कह दिया था कि छोटी की शादी में कोई कमी न रखे, बिन माँ बाप की बेटी है, किसी से कुछ नहीं मांगेगी, पर हम भाई बहनों का फर्ज है ये। भाइयों और मंजरी बहन ने मिलकर खरीदारी की। जमीन बेचने के पैसे से ही गहने दहेज का इंतजाम भी उसी पैसे से हो गया। एक रिश्तेदार ने पलंग और ड्रेसिंग टेबल देने की बात कही थी। जब वह लेकर आए तभी सामान देखकर उनके विशाल हृदय का पता चल गया। छोटा भाई बिना कुछ बोले दुकान में उन्हें बदल कर और पैसे देकर देने लायक खरीद लिया। होटल में शादी हो रही थी, लड़के वालों के शहर में ही शादी में निमंत्रित रिश्तेदार हंसने की तैयारी में आए थे, पर इंतजाम देखकर दंग से ज्यादा दुखी हो गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे से हो पाएगी छोटी की शादी। शादी के वक्त सहानुभूति दिखाते हुए औपचारिक रूप से पूछ रहे थे अदिति की सास से, दीदी हमें तो कुछ बताया नहीं आपकी बहू ने, हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से करते ही
इतना ज्यादा ताम जाम करने की क्या जरूरत है? होटल में क्यों, घर से हो सकती थी शादी? सास ने शांत होकर का ये सलाह मैंने दी थी उसे, घर से होगी शादी तो सारा भार उस पर ही पड़ता। स्कूल घर सब संभाल कर इतना बड़ा दायित्व निर्वाह कर रही है, उनके दादा की पैतृक संपत्ति से ही शादी हो रही है, तो खर्च की चिंता क्यों करना? आप सभी इतने दूर से आए हैं, बेटी को आशीर्वाद दीजिए। अदिति के सर पर अपना हाथ रखिए, यही बहुत है। आप लोग तो ननियाल के हैं, आपकी बहन की बेटी की शादी हो रही है, खूब खुशी खुशी आनंद से शादी देखिए। कुछ कमी लगे तो मुझे या आदिति को कहिए। आखिर सगे रिश्तेदार हैं आप तो, मैं तो लड़की की दीदी की सास हूँ, सगा रिश्ता तो है नहीं, कुछ नहीं को उनकी बातें सुनकर और निर्विधन शादी सपन होते ही सारे रिश्तेदार गो के यार की तरह अगले ही दिन दुबक कर भाग गए।